नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत के नव नियुक्त लेखा महानियंत्रक के बारे में। जानेंगे भारत के नए लेखा महानियंत्रक के तौर पर किन्हें अपॉइंट किया गया, साथ ही साथ जो लेखा महानियंत्रक होते हैं यानी कि जो CGA होते हैं, इनका काम क्या होता है, यानी इनसे जुड़ी तमाम जानकारी भी आज के इस वीडियो में साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करें सुर्खियों में क्यों है, तो दरअसल अभी हाल ही में SS दुबे, इन्हें अभी हाल ही में भारत के नए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स यानी कि CGA के तौर पर अपॉइंट कर दिया गया है और इन्होंने जो अपना पदभार है यह भी ग्रहण कर लिया है। इसके साथ ही ध्यान रखना, इन्होंने एक्चुअली में स्थान लिया है भारती दास का। भारती दास जिन्हें वर्ष 2022 में भारत के कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के तौर पर अपॉइंट किया गया था। इसके अलावा बात SS दुबे की करें तो ध्यान रखना कि जो SS दुबे हैं ये एक्चुअली में 1989 बैच के इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज के अधिकारी रह चुके हैं। इसके अलावा श्री SS दुबे भारत के 28वें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स बन गए हैं, ये भी ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ध्यान रखना है कि जो SS दुबे हैं ये एक्चुअली में इससे पहले आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय और साथ ही साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार के तौर पर कार्य कर चुके हैं। इसके अलावा श्री SS दुबे को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव है, यानी कि इन्होंने एक्चुअली में यूनाइटेड नेशंस के अंतर्गत जो यूनाइटेड नेशन का वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, ठीक है, इसके अंतर्गत जो SS दुबे हैं ये एक्चुअली में प्रोक्योरमेंट और लॉजिस्टिक्स के प्रमुख के तौर पर 5 साल तक यहाँ काम कर चुके हैं। इसके अलावा बात करें CGA की, CGA यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये असल में वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी कि जो एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री होता है इसके अंतर्गत आता है। ध्यान रखना है कि जो CGA है यह ना तो कॉन्स्टिट्यूशनल और ना ही स्टैचुरी बॉडी है, ये असल में संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा CGA का गठन किया जाता है। ध्यान रखना है कि जो CGA होते हैं यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, ये एक्चुअली में केंद्र सरकार के प्रमुख सलाहकार होते हैं अकाउंटिंग मैटर्स के अंतर्गत, यानी कि लेखा के जो भी मामले होते हैं इसके अंतर्गत जो CGA होते हैं ये एक प्रमुख सलाहकार के तौर पर कार्य करते हैं। इसके अलावा जो CGA होते हैं इनका काम प्रबंधन लेखा प्रणाली की स्थापना और साथ ही साथ प्रबंधन और संघ सरकार के खातों की तैयारी और उसे किस तरीके से प्रस्तुत किया जाए, ये सारा काम CGA का होता है। इसके अलावा जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स होते हैं इन्हें जो ट्रिजरी होती है यानी कि जो राजकोष का नियंत्रण होता है ये भी CGA के द्वारा किया जाता है, और साथ ही साथ जितने भी आंतरिक लेखा परीक्षा यानी कि जितने भी इंटरनल ऑडिट्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, ये सारे के सारे काम कौन करती है, ये सारे के सारे काम CGA के द्वारा यानी कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के द्वारा किया जाता है। साथ ही ध्यान रखना है कि जो भारत है, भारत के पहले CGA कौन थे, तो इनका नाम है श्री CS स्वामीनाथन। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने बात की भारत के नव नियुक्त CGA के बारे में। आशा और उम्मीद कि वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए। तो ऐसे में आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।